आनंद कुमार उपस्थित हुए हैं, मैं आपका स्वागत। सशस्त्र सीमा बल हमारी केंद्रीय फोर्स है। ये हम भारत और नेपाल, भारत और भूटान के सीमा पर हमारा मुख्य मकसद इस बॉर्डर की सेवा करना है, वहाँ की सुरक्षा करना है। हम चूँकि बॉर्डर पर रहते हैं तो ये हमारा धर्म बनता है, ये हमारा दायित्व बनता है कि वहाँ के लोग जो लोग अगर किसी चीज़ में पीछे हो रहे हैं, अगर हम उनको कुछ हेल्प कर सकें तो अपने फोर्स के माध्यम से हम उनको हेल्प करते हैं। ये हमारा एक सिविक एक्शन प्रोग्राम होता है जो कि हमारा मोटो है, बंधुता सेवा, जो हमारा SSB का अपना मेन मोटो होता है। उसी सिलसिले में हमने पिछले महीने में जनवरी के महीने में 4 तारीख से फरवरी के 3 तारीख तक 1 महीने का एक कोर्स चलाया बच्चों के लिए, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट था। इसमें उनको हमने ड्राइविंग मेनली सिखाया, उसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट अभी नया आया है, मैंस फ्राइडे। मैंस फ्राइडे का मतलब होता है कि एक आदमी जो हर चीज़ छोटे मोटे चीज़ को जानता है, जो आजकल के ज़माने में चल रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ हो, बैंकिंग सेक्टर का हो, पढ़ाई लिखाई का हो, नॉर्मल घर का काम हो, और उसके साथ साथ बेसिक में वो ड्राइविंग ज़रूर जानता है। हमने ये एक सर्वे में पाया कि जो लोग ड्राइविंग सिर्फ जानते हैं उनको जितना सैलरी मिल पाता है, अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन उनको हम अपनी तरफ से दे दें, उनकी सैलरी 1.5 गुने से 2 गुने ज़्यादा हो जाती है। तो हमारे DG साहब ने एक ये प्रस्ताव दिया और जिसको हमने सहर्ष स्वीकार किया, हमने उसी को ध्येय को मोटो को रख करके मुजफ्फरपुर में चलाया और 30 बच्चों को हमने मेनली ड्राइविंग का कोर्स करवाया। पूरा फुल कोर्स एक आउटसोर्स एजेंसी से, जो यहाँ की बहुत अच्छी एजेंसी है मुजफ्फरपुर की, उन्होंने उसको ट्रेनिंग दिया। उसके साथ साथ हमारे साथ रह करके इन लोगों ने जो बाकी के कोर्स होते हैं, जैसे मैशन का काम, प्लम्बर का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम, एटिकेट्स, मैनर, छोटी छोटी जो एक आम आदमी को जानना चाहिए, उसको उनको हमने ट्रेन किया। ट्रेन करने का सबसे अच्छा कारण ये रहा कि आज ये बच्चे फुल फ्लेज्ड ट्रेंड हो गए हैं, उनको ड्राइविंग का लाइसेंस फुल फ्लेज्ड मिल गया है। जो DTO साहब ने उनका टेस्ट लिया, टेस्ट में सब लोग पास हुए अच्छे नंबरों से, उसका लाइसेंस मिल गया और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे जगह पर उनको प्लेसमेंट कराएं। मैं इस बात को तरीके से आप लोगों के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि SSB एज ऑर्गेनाइजेशन हम किसी को डायरेक्ट नौकरी कभी नहीं देते हैं। हाँ, लोगों को हम प्रशिक्षण जरूर देते हैं, उनको प्लेटफॉर्म जरूर देते हैं कि आप आगे चल करके किसी और जगह पे अपने जीवन यापन के लिए आप आत्मनिर्भर हो सकें, या कोई सरकारी एजेंसी में भी अगर कोई वैकेंसी होती है तो आप उसमें जा करके शामिल हो सकते हैं। ये जो आपने प्रशिक्षण दिया, ये उसी का कार्यकाल होगा। भविष्य में फिर ऐसा ऑर्गेनाइज किया जाएगा? जी हाँ, हमने इसके लिए चूँकि सफल काफ़ी हुआ है, हमने प्रथम तौर पर इसको मैंस फ्राइडे को स्टार्ट किया था। अब हमारा प्लान ये है कि चूँकि सक्सेसफुल हम इसमें हुए हैं, कुछ कुछ चीज़ें हमारी एक्सपीरियंस भी बढ़ी है, तो अगला टारगेट हमारा महिलाओं के लिए है। बॉर्डर एरिया की जो महिलाएं हैं, महिलाओं से मेरा मतलब है कि जो नए उम्र की लड़कियाँ हैं, जो आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, जो जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, हम उनको भी आज की परिस्थिति के अनुसार प्रशिक्षण देने की कोशिश करेंगे और प्रशिक्षण देकर के उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये हमारा एक अगला कदम होगा। सर, एक और सवाल है। लोकेशन स्ट्रेटेजिकली काफ़ी अच्छा है। हम चूँकि बॉर्डर पर तैनात हैं और हमारी जो बिहार की सारी नेपाल और बिहार के साथ जो बॉर्डर लगी हुई है, वो उसका सेंटर लगभग मुजफ्फरपुर में पड़ता है। रोड कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, ट्रेन कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, तो और यहाँ पर हमारा अपना अपना ज़मीन मिल गया हुआ है। हमारे पास कुछ ज़मीन बची है, जिसके कारण हमने प्रपोजल रखा है कि यहाँ एक ट्रेनिंग का आर्ट ऑफ जो पूरा सेटिस्फैक्ट्री होगा, हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट जिसको हम बताते हैं कि हर ढंग से परिपूर्ण होगा, हम इसको डेवलप करने की कोशिश लगे हैं किए हैं। एक प्रस्ताव हमने अपने हेडक्वार्टर को, अपने SSB हेडक्वार्टर को दिया है। मुझे आशा है कि बहुत जल्दी ये पास हो जाएगा और अब मैं एज IG फ्रंटियर पटना इस पोजिशन पर हूँ कि इसको मैं आगे तक ले जाऊँगा। धन्यवाद।